सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से, और मैं संतोष की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आगे भी बढ़िया रहना। दोस्तों लगभग हमें जो है 5-6 दिन हो गए थे तब से जो है एक भी वीडियो नहीं आ रही है चैनल पे। तो दरअसल बात यह है कि भाई तुम्हारे भाई की हो गई तबीयत खराब, बिल्कुल खतरनाक करके तेलमेल हो गई। क्या बताऊँ आप लोगों को, तेलमेल हो गई। आप लोग समझ जाओ, जो लोग समझ गए बताना कमेंट करके क्या हो गया था। तो भाई ये जो है सीन हो गया था, तो इस वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहे थे। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहे करके, तो ये सीन था। तो आज जो है आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि भाई जहाँ पे हमारे रामलीला होते हैं कहाँ पे होते थे और हमारा जो है गाँव में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जो है ना आज आप लोग इस ब्लॉग में देखने वाले हो। बाकी छोटा सा हमारा खेत है यहाँ पे देखो दादी का भी काम चल रहा है तगड़ा वाला। क्या कर रहे दादी, क्या करना है? अच्छा ये बोरी दादी लहसुन है, देखो लहसुन मतलब लहसुन। ये बोरी देखो दादी ऐसे मेरे डाल के फिर यहाँ पे बोरी है। तो चलो चलते हैं अब। और ना पार साइड में आजकल रोड का बिल्कुल तगड़ा करके काम चल रहा है, तो रात दिन कटकटी है उधर, जिस वजह से दिमाग खराब तो हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई रोड बन रही है और देख पा रहे होंगे टेंट का सामान जा रहा है, DJ वगैरह जा रहा है, तो ये जा रहा है सब ना यहाँ पे। जो है 2 दिन बाद शादी है, यहाँ पे शादी है रवि बू की, तो शादी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉग में। इस तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके बाद जो हमारी आने वाली शादी की ब्लॉग जो कि काफ़ी तगड़ी होने वाली है, और शादी जा रही है जो बारात जा रहे हैं ना वो जा रही है यहाँ से गढ़वाल, जो पिंडर घाटी है ना मतलब देवाल साइड को, चमोली में यहाँ पड़ता है, गढ़वाल में पड़ता है, तो उधर को जो है बारात जाने वाली है। तो वहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को कुछ दिनों बाद देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आप लोग मिस ना कर पाओ। तो रामलीला की शुरुआत ना यहीं पर से होती है, जो आपको ये हरा वाला खेत और ये वाला खेत दिख रहा है, आधा हरा वाला खेत, तो यहीं पर से जो है रामलीला की शुरुआत होती है। जब मैं पैदा हुआ, जब से मैंने रामलीला देखी है ना दाड़िम खेत में, तो यहीं पर देखी है, यहीं पर होते आए हैं रामलीला। अब जो है यहाँ पर नहीं होते हैं, उसका रीज़न क्या है पता नहीं, बट जो यहाँ पे मंच लगते थे ना वो लकड़ी के लगते थे, जिसमें कि लकड़ी वगैरह ढोलो और लकड़ी को करो काफ़ी जो है दिक्कत आती थी एक तरह से बोल सकते हो। तो अब जो है इस वजह से वहाँ पे पूरा जो है पक्का मंच बना दिया, बिल्कुल मतलब एक तरह से बिल्कुल सीमेंटेड, वो सारा कुछ जो है आप लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हो। और बाकी जो दुकानें लगती थी ना वो लगती थी उधर को, जहाँ पे आपको खंभा भी दिख रहा होगा और जहाँ पे 2 पत्थर भी दिख रहे होंगे बड़े बड़े, उन पत्थरों का भी नाम है, उनका नाम है रूढ़ी डांग। बचपन में हम यहाँ पे बहुत जाया करते थे, मतलब खेलने के लिए, जैसे कि इस टाइम पे ना खाली हो जाते सारे खेत, तो उस टाइम पे वहाँ चले जाओ, शाम के टाइम पे सारे बच्चे आप लोगों को वहीं भी मिलेंगे, तो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे खेलो बिल्कुल मस्त करके। और जैसे शहर से चल के आते हैं ना हम नीचे की तरफ को, शहर मतलब ये इलाके का जो गांव है, गांव के ठीक सामने है शहर, शहर बोलते हैं इसको एक तरह से लोकल लैंग्वेज में यहाँ की। पहले के टाइम पर ना यहाँ पर बहुत शहीद रह जाती थी, शहीद मतलब रोपाई होती ना वो वाली फसल होती थी यहाँ पे। हालांकि अब तो नहर वगैरह सब टूट गया गधेरे की वजह से, तो उस वजह से नहीं धरते अब स्याही, ऐसी धान बो देते हैं सब। तो यहाँ पे काम बिल्कुल तगड़ा करके चल रहा है, आप लोग देख पा रहे। सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पर से, जो कि बन रहा है गेट। पहले यहाँ पर ऐसे खुले रास्ते थे 2-3-4, लेकिन अब जो है बड़ा बड़ा एक ही गेट बना दिया पूरा, देख पा रहे कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी मस्त होने वाला है इस बार। और जो यहाँ के हर्ताकर्ता मतलब देखने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, वो है अपने हमेशा की तरह अपने ताऊ। और बाकी कुछ इस तरह से, जो कि ये सामने वाला हमारा होने वाला है मंच, और जो पीछे साइड में अभी बन रहा है ना यहाँ पे, ये होने वाला है जहाँ पर कि वो लिखाते हैं जो चंदा वगैरह लिखाते हैं, वो यहाँ पे बनेगा इस तरह से। तो बाकी कुछ इस तरह से हमारा बनने वाला है यहाँ पे मेकअप रूम, जो कि अभी बनने की कगार पे है, छत में डाला है इसमें। बाकी देखो कुछ इस तरह से, बनने वाला है। और यहाँ है इसके करेट, ये देखो करेट में भी कुछ बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है पता नहीं। और बाकी इस तरह से यहाँ पे देखो ये मंच है यहाँ पे, और यहाँ पर से जो है सखिया वगैरह जो भी है नाचेंगे। और सखिया वैसे बहुत कम इलाकों में देखा मैंने कि सखिया नाचते हैं, और हालांकि राम लक्ष्मण वो सब तो नॉर्मल है, बनते ही हैं, तो सखिया भी नाचते हैं हमारे यहाँ, वो क्या होता है सारा कुछ आप लोग देखोगे। और बाकी यहाँ पे बैठते हैं दर्शक, और इलाका देखो ये पूरा रामलीला के अंदर आता है, रामलीला मंच के अंदर।
ताऊ जी आप लोग कहाँ के ठहरे? हम बची गाँव। बची गाँव? ये जो सामने है बची गाँव, ऊपर जाके ऊपर। अच्छा आप सब लोग वहीं के ठहरे? आप जाके ठहरे? अच्छा तो यहाँ पे देखे सब लोग लगे पड़े। ये बन क्या रहा है वैसे? ये वो है मेकअप रूम, चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम, मेकअप रूम, रामलीला पांच रूम के लिए। अच्छा और ये एक वो भी बनेगा ना, क्या बोले? ये फर्स्ट बनेगा। अच्छा साइड ही साइड ये चेंजिंग रूम है, मेकअप रूम। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो देख पा रहे हो यहाँ पे चेंजिंग रूम के साइड इस साइड बनेगा, बाकी मेकअप रूम उस साइड बनेगा जहाँ मैंने आप लोगों को अंदर दिखाया। बाकी बिल्कुल मस्त करके जो है तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे। ये अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष साहब अध्यक्ष चुना लग गया पूरा। अरे झाड़ लो कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे तैयारी चल रही बिल्कुल जोरों पे खतरनाक करके। और अगले महीने जो है ना दिवाली के जस्ट दो तीन दिन बाद ही जो है यहाँ पे हो जाएंगे रामलीलाएं शुरू। तो रामलीलाएं शुरू भाई आप लोगों को दिखाने के लिए मैं हूँ, मतलब उसकी चीज़ का टेंशन आप मत लीजिए, बस अपने छोटे भाई को इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। बाकी दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है जिस तरह की हमेशा आप लोगों को मैंने दिखाया। आप मेरे बैकग्राउंड में जो है पत्थर देख पा रहे होंगे, तो यही पत्थर जो है वो हैं जिनको जिनमें कि हम बचपन में खूब खेला करते थे। दिखा वाला वो दिन याद आते ना, क्या ही मतलब एक अलग ही तरह का ना सुकून था वो दिन दिनों में। वो दिन जब याद आते ना क्या बताऊँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से थे दो बड़े बड़े पत्थर, एक ही वाला पत्थर था और एक ही वाला छोटा छोटा, मतलब ये छोटा है थोड़ा सा और ये थोड़ा सा बड़ा है। और इन्हीं को बोलते हैं रूढ़ी डांग, हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में रूढ़ी डांग बोलते हैं। डांग मतलब होता है पत्थर, रूढ़ी मतलब पता नहीं। रूढ़ी डांग जो है इनका नाम है। और इसको ना काफ़ी बार तोड़ने की भी कोशिश जो है की गई थी, देख पा रहे हैं चीनी और घन की चोट सहने के बाद जो है अभी भी बरकरार है, बिल्कुल ऐसी है ये पत्थर। तो कहाँ से आए हैं क्या हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन लोकल मान्यताओं के अनुसार बोलते हैं कि जब पांडव जो है हमारा एक होता है ना डांगरी खेलते हैं, चार पाँच पत्थर होते हैं छोटे छोटे उनसे खेलते हैं लोग। तो कुछ इस तरह से जो है पांडव खेल रहे थे तो वहाँ पर जो है छटक के आ गए थे यहाँ को। तो इस तरह से जो है यहाँ की मान्यता है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आ रखे हैं पत्थर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही कुछ था, क्योंकि अब जो है घर जाऊँगा तो वहाँ अभी कुछ नहीं देखने को, क्योंकि देख पा रहे होंगे साहब के दरवाजे जो है बंद हैं इस तरह से। और कोई स्कूल गया है, कोई मांग काटने गया है, कोई हलवाने गया है, तो घर में भी कोई मिलेगा नहीं। अब करते हैं इस वीडियो को एडिट जो कि पहुँचानी है आप तक, और अब से ना वीडियो डालने की कोशिश करूँगा डेली। हालाँकि तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से नहीं डाल पाया था वीडियो। तो चलते हैं और करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग जो है जुड़ सके हमारे साथ हमारी छोटी सी फैमिली को और बढ़ावा बनाने में। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करते हैं बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।